easier start. You'll definitely get more doors to open, but if the audience doesn't like you, there's nothing you can do about it, right? The audience has made us. Nobody else has made us. The same people pointing fingers as also, they are only making these nepotistic stars. Na, aap ja rahe ho na film dekhne. So, mat jao. Nobody has forced you. So, I don't understand where this... It's just like... I just find this whole discussion is completely weird. The idea... We will boycott the same way. Who will oppose the opposition, right? You don't need to ask people like you. Aamir Khan is not ideal for me. Boycott the 100 reasons. Tell me one reason to watch a movie. Solid to understand. Who is Aamir Khan? कोई हीरो है तो ठीक है, जब सुरक्षित नहीं है तो फिर मूवी क्यों यहाँ बना रहा हूँ, मूवी जाके भी विदेश में बना हो जाके। माता की जय। अरे ये कटुओं के चक्कर में होनी चाहिए। चड्ढा आमिर खान की मूवी आने वाली है, क्यों, क्या कारण है? पर दो मेरी इच्छा है। बिल्कुल 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 होनी चाहिए। क्या मतलब, क्यों मतलब, रीजन क्या है? अरे ये कटुओं के चक्कर में होनी चाहिए, होनी चाहिए, जरूरत नहीं, बायकॉट होना चाहिए, बस है। रीजन? कोई रीजन नहीं, आप रीजन पूछने लायक ही नहीं हो लोग, बस। जबरदस्त बोले, बढ़िया बोले। कहने की जरूरत नहीं बायकॉट, हम लोग ऐसे ही बायकॉट कर देंगे। जो हिंदुस्तान का विरोध करेगा ना, आप जैसे लोगों के पूछने की जरूरत नहीं है। आमिर खान मेरे लिए आइडियल नहीं है। देखो अभी पृथ्वीराज चौहान देख कर आ रहे हम लोग, हमेशा बाइकॉट हो। गजब बोले ना। बिल्कुल भाई साहब, बिल्कुल बिल्कुल सही बोला उन्होंने, जो भी बोला बिल्कुल सही बोला। भारत माता की जय। आमिर खान की मूवी बिल्कुल, आमिर खान कोई हीरो है? रीजन बिल्कुल होनी चाहिए। रीजन करा क्या? हिंदू बाइकॉट होना चाहिए आमिर खान की मूवी? बिल्कुल होना चाहिए। बाइकॉट करने के 100 रीजन है, एक मूवी देखने का एक रीजन बताइए, सॉलिड तो समझ में आए। तो बाइकॉट ही करना चाहिए, सिंपल सी बात है। रीजन, रीजन क्या है? रीजन है वो बंदा, जो बंदा आपको सोशल लेवल पे एक रॉन्ग मैसेज दे रहा हो एज अ इंडिविजुअल। आमिर खान इज नॉट अ काइंड ऑफ सेलिब्रिटी एज ऑफ नाउ, जब था तब था ठीक है, एज अ इंडिविजुअल लोग लाइक करते थे, बट अभी करंट में उसकी लाइफ स्टाइल ऐसी नहीं है जिसपे कि आप ये कहो कि उसको हम फॉलो करें। बट ऑब्वियसली उस बंदे की मूवी क्यों फॉलो करें? बाइकॉट करना ही है, करीना कपूर है उसमें, वो तो उन्होंने कहा ही था कि आप लोग तो देखने आते हैं इसीलिए हम लोग हैं मूवी में, तो ठीक है बायकॉट कर रहे हैं हम। कोई नहीं जाएगा देखने के लिए, करीना कपूर की कोई भी मूवी आएगी हिट नहीं जाएगी। और आमिर खान भी ऐसे भी आपको पता ही है क्या क्या बोल चुके हैं, वो यहाँ पे वो नहीं है, सुरक्षित नहीं है इंडिया में, उनकी वाइफ सुरक्षित नहीं है, बच्चे सुरक्षित नहीं है, तो ठीक है जब सुरक्षित नहीं है तो फिर मूवी क्यों यहाँ बना रहा हूँ, मूवी जाके भी विदेश में बनाओ जाके। नहीं, बिल्कुल बायकॉट नहीं होना चाहिए। और जो लोग ये कह रहे हैं बायकॉट करने वाले, वो सिर्फ अपना पॉलिटिकल स्टैंड दिखा रहे हैं। ये जो देश जीत की बात करेगा और जो अपने धर्म के लिए करेगा, अपने देश के लिए करेगा, उसी को हम प्रेफर करेंगे। और जो अपने एटीट्यूड में रहेगा उसको तो बायकॉट वैसे भी कर देना चाहिए। डेफिनेटली बायकॉट होना चाहिए, क्योंकि कंटिन्यूसली हम देख रहे हैं कि हमारे जो भी मूवीज़ आ रही हैं वो एक पर्टिकुलर कहना नहीं चाहिए धर्म समुदाय को बढ़ावा देके हमारे धर्म को, क्योंकि डिग्रेड कर रही हैं। जो लोग निगेटिव बातें करते हैं देश के लिए, जो अच्छा हो रहा है उसके लिए भी निगेटिव बोलेंगे और अपने उसमें रहेंगे, किसी को देखना है तो देखें, बुलाने नहीं जा रहे हैं तो कोई किसी को नहीं बुलाने जाता है। इतने पैसे वाले बनते हैं तो हमारे ही उससे है ना, लेकिन फिर भी वो आम जनता को बेवकूफ़ समझते हैं ये लोग, फिल्मी एक्टर जो होते हैं ना। चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए, नहीं है, अपने धर्म की रक्षा हमको करनी है। वो तो हमारे मजाक उड़ाते हैं हमारे धर्म का, हम लोग उनका मजाक नहीं उड़ाते हैं।